पुत्र कैसा होना चाहिए, तो पुत्र कपिल सो मिले और मित्र प्रहलाद ही जानो। बेटा हो तो कैसा हो, कपिल देव जी की स्त्री था, कर्दम ऋषि थे, देवहूति उनकी पत्नी थी, उन्होंने तपस्या किया, भगवान ने दर्शन दिया, तो दर्शन देकर के वरदान मांगा कि आप हमारे पुत्र के रूप में आओ। तो कपिल भगवान का अवतार देवहूति माता के गर्भ से हुआ। अन्य अवतारों में भगवान ने अपने को छिपाया, भगवान श्री राम कभी नहीं कहते थे कि मैं परमात्मा हूं, अपने को छिपा करके और बाल लीलाएं की, लेकिन इस कपिलावतार में उन्होंने, भगवान कपिल ने अपने को छिपाया नहीं, अभी छोटे ही थे लेकिन बैठ करके, गद्दी पर बैठ करके मैं परब्रह्म परमात्मा हूं। कपिल भगवान ने अपने पिता माता से, लोगों से कहा, मत भयात बात बातोयम, मेरे डर के मारे ये हवा चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, हवा मेरे भय से चलती है, सबके ऊपर मेरा शासन है, मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूँ, अपने को ईश्वर घोषित कर दिया। और वरदान ऐसा था ही, तो पिताजी ने आकर के अपने पुत्र कपिल की शरण ली, प्रार्थना किया, तो अपने पिताजी को उपदेश दिया और कह दिया कि तुम जाओ जंगल को भजन करो, इसके बाद तुम्हारे चले जाने के बाद मैं माता को भी उपदेश दूंगा। माता शरण में आई तो माता ने कहा कि भगवान संसारी भोगों को भोगते भोगते मैं बहुत ऊब गई हूँ और मैं तुम्हारी शरण में हूँ। स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम, भगवान को कहा कि आप अपने भक्त के हृदय में अज्ञान रूपी जो वृक्ष है उसको काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान, इसलिए मेरे हृदय में भी जो अज्ञान है उसको आप दूर करो, हमको उपदेश दो। तो कपिल भगवान ने अपनी माता को बहुत लंबा चौड़ा उपदेश दिया, अध्याय के अध्याय, उसमें भी मुख्य यही कहा कि प्रसंग मजरम पाषण आत्मना कवयो भी, आसक्ति जो है वह सबसे बड़ा बंधन है और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, अपना मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। बंधन क्या है कि संसार के भोगों की लालसा रही जाती है तो बंधन है, भोगों की इच्छा समाप्त हो जाए तो मुक्त हो गया जीव, इस तरह का रहस्य भगवान ने बताया। और भक्ति का मुख्य उपदेश कपिल भगवान ने अपनी माता को भक्ति का उपदेश दिया और यह कहा कि सत्संग में प्रेम करो, उन साधुओं के समीप में प्रेम करो, वे संत तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। माता ने कहा कोई संत होते कैसे हैं, तो संत लक्षण का भी बड़ा विशाल वर्णन किया। कपिल भगवान ने कहा कि साधु जो होता है, भक्त जो होता है, तो सबसे पहला लक्षण तितिक्षा माने सहनशीलता, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवा साधुषा। माता जी, हमारा जो भक्त होता है वह सबसे पहले सहनशील होता है, सहनशील में जाड़ा गर्मी बरसात सहता है ये कोई बड़ी बात नहीं, भूख प्यास को सहता है यह भी, लेकिन अपमान को और सम्मान को सहना यह सबसे बड़ी बात है। अपमान भी सहन हो जाए लेकिन सम्मान सहन नहीं होता, कोई आदर करने लगा, आरती पूजा होने लगी तो मन में आ जाता है कि हम पूजा के योग्य हैं, मन में अहंकार आ जाता है, इस तरह से अहंकार अगर आ गया तो सम्मान हमको सहन नहीं हुआ, किसी ने गाली दे दिया, अपमान किया तो मन को दुख हो गया तो अपमान सहन नहीं हुआ। तो हमारे भक्त जो अपमान और सम्मान दोनों का सहन करते हैं, और अपमानम सुधा पानम, कोई अपमान कर दे तो अमृत पीने के समान सुख का अनुभव करते हैं, और कोई निंदा करने लग जाए तो उसकी बड़ाई करते हैं, निंदक को अपने पास रखते हैं, निंदक ने हमारी निंदा करके हमारे पापों को दूर कर देता है, निंदक के डर से हम कोई निंदनीय काम नहीं करेंगे, इसलिए निंदकों को भी अपना करके हमारा भक्त रखता है। और बड़ी इसके अंदर करुणा होती है, किसी भी जीव को दुखी नहीं देख सकता है, और अजात शत्रु शांता, हमारा भक्त अजात शत्रु होता है, उसका शत्रु कोई पैदा ही नहीं हुआ, भगवान का भक्त अजात शत्रु है। सृष्टि के जितने जीव सब भगवान के हैं, सब हमारे मित्र हैं, शत्रु कोई नहीं, अजात शत्रु
बहुत से भक्त हुए और श्री युधिष्ठिर जी महाराज अजात शत्रु थे। बचपन से ही दुर्योधन ने इन पांडवों को कष्ट दिया। खेलने कूदने में जब सब खेलते थे तो खेलने में भीमसेन खेलते खेलते इन सबको पछाड़ दिया करते थे, दुर्योधन आदि को। तो इनके मन में द्वेष हो गया, ये सब बड़े बलवान तो किसी तरह से इनको नष्ट कर देना चाहिए। तो भीमसेन को जहर के लड्डू खिला करके गंगा में डुबा दिया दुर्योधन ने। तो भगवान की कृपा थी, बच गए किसी तरह से। इसी तरह से इन बचपन से ही एक बार लाख के घर में इनको बंद करके आग लगा दी, पांचों पांडवों को, माता कुंती को लाख के घर में। लाख जो है वो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, बड़ी जल्दी आग लगती है। तो लाख के घर में आग लगा दी गई, इनको उसमें ठहराया, ये ठहरे हुए थे, आग लग गई, चारों तरफ जलने लग गया। तो युधिष्ठिर ने नकुल जो उसमें ज्योतिषी थे उनसे पूछा कि जल ही जाएंगे, कोई निकलने का उपाय है? तो उन्होंने कहा कि भाई पूछो तब न बताऊं, साथ में जल रहे हो लेकिन बिना पूछे नहीं बता। बोले नहीं, बिना पूछे नहीं बताऊंगे। पूछा गया कि क्या उपाय है? बोले चौक में जो खंभा गड़ा है इसको कोई उखाड़ डाले तो रास्ता मिल जाएगा। भीमसेन ने चौक में गड़े हुए खंभे को उखाड़ डाला और वहीं सुरंग बनी हुई थी, बाहर जाने की सुरंग थी, सुरंग को श्री विदुर जी ने बनवा दिया था। बाहर निकल गए, सब बच गए। दुर्योधन ने समझ लिया कि सब जल गए, कोई बचा नहीं, लेकिन ये पांचों बच गए, पांचों भाई बच गए, माता कुंती बच गई, बाहर निकल गए। फिर अपने वेश को बदल लिया इन लोगों ने, क्षत्रिय वेश न रख करके ब्राह्मण शरीखा वेश कर लिया और भिक्षा करते मांगते खाते इधर उधर घूमने लग गए। एक दिन एक अतिथि के यहाँ, एक द्वार में ब्राह्मणी के यहाँ ठहरे। उस समय उसके घर में सवेरे लोग रोने लग गए। कुंती ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले आज हमारे लड़के की बारी है, एक दैत्य आता है, दैत्य को भोजन करने के लिए ये इसको ले जाना पड़ेगा और वो भोजन करता है और जो कोई गाड़ी ले जाता है उसको भी खा जाता है। कुंती माता को दया आई, कुंती ने कहा तुम लड़के को नहीं भेजो, मैं अपने लड़के को भेज दूंगी। अरे नहीं, तुम अतिथि हो, तुम्हारे लड़के को नहीं भेज सकती। तो कुंती जी ने भीम को भेजा, बहुत बड़ी बैलगाड़ी में भर करके सामान गांव से बाहर नगर के समीप ले जा गए और वह दैत्य और भीमसेन वहां बाहर ले जा करके सब सामान बढ़िया खुद खाना खाने लग गए। जब खा रहे थे, आधा खा गए, तब वो दैत्य आया था, अरे मेरे खाने का सामान तूने खा लिया, कोई बात नहीं, तूने सामान को खा लिया, मैं तुझको खा लूं, सब पेट में मेरे पहुंच जाएगा। यह कह करके भीमसेन से युद्ध होने लग गया। भीमसेन ने उसको मार डाला, उस दैत्य को। इस तरह से भीमसेन एक ब्राह्मण बालक के, कुंती माता ने ब्राह्मण बालक की रक्षा करने के लिए अपने बालक भीमसेन को दिया, ब्राह्मण बालक की रक्षा की। घूमते फिरते ये लोग, उस समय द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा हुई, राजा द्रुपद ने अपनी कन्या का स्वयंवर किया और स्वयंवर में शर्त यह थी कि जो कोई मत से वेध करेगा, चक्र के ऊपर मछली घूम रही है, नीचे तेल के कड़ाह में देखो और ऊपर निशाना लगाओ, ऐसा जो कोई वीर होगा मत से वेध कर देगा तो वह द्रौपदी से विवाह करेगा। सब लोग बड़े बड़े धीर वीर आए, बहुत से लोग तो धनुष को नहीं उठा पाते, चढ़ा नहीं पाते, मत्स्य वेध किसी ने नहीं कर पाया। कर्ण को आगे कहा गया तो कर्ण को देख करके द्रौपदी ने कर्ण का अपमान किया और कहा इसके बाप का ठिकाना नहीं है, किसका लड़का है? तो मल्लाह का लड़का, प्रसिद्ध थे उन दिनों तक, कुंती के पुत्र हैं, ये बात साबित नहीं भई थी। तो मैं इसके कोई ब्राह्मण मत से वेध करे तो उसके साथ विवाह कर लूंगी और कोई क्षत्रिय मत वेध करे तो उसके साथ मेरा ब्याह होगा, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय दो को छोड़ करके तीसरा कोई मत से वेध करके भी और हमको ब्याह नहीं, मैं ब्याह नहीं करूंगी। कर्ण का इसमें अपमान होगा। तो उस समय अब कोई वीर नहीं रह गया, ये हालत आ गई। तो उस समय फिर अर्जुन का ब्राह्मण वेश था, अर्जुन ने जाकर के धनुष चढ़ाया और मत्स्य वेध कर दिया। मत्स्य वेध करते ही द्रौपदी ने उनके गले में जयमाला पहना दी,
आगे आगे वो चले, पीछे पीछे द्रौपदी चली, इस तरह चलने लग गई। बड़ा भारी मेला था, तो मेले में ये शोर हुआ किसी क्षत्री ने जीत नहीं पाया। द्रौपदी का ब्याह क्षत्री से नहीं हुआ, एक ब्राह्मण से हो गया। फिर लेकर के द्रौपदी को अपने आए, राजा ने पीछे से अपने गुप्तचर भेजे। यहाँ आते ही नित्य प्रति भिक्षा लाकर लाना और माता के सामने रखना, और भीमसेन आधा खा लेते थे, आधे में सब लोग बांट करके खाते थे। आज बड़ी विचित्र भिक्षा एक लेकर के आए हैं, नई भिक्षा लेकर के आए हैं। तो मैया कुंती ने कहा कि लाए हो तो तुम सब लोग उसका उपभोग करो, सब लोग उसको अपने काम में लाओ। द्रौपदी को लेकर के आए थे अर्जुन, कहा कि यह भिक्षा आज, यही आज की भिक्षा यह द्रौपदी है। और माता ने कह दिया कि सब इसका उपयोग करो। अब इस तरह से सभी द्रौपदी का विवाह सबके साथ हो, इसकी बात आई तो राजा द्रुपद को मालूम पड़ा, तो उनको बड़ा दुख हुआ, हमारी कन्या का ब्याह पांच भाइयों से होगा। तो स्वयं वेद व्यास भगवान वहां आकर के प्रकट हुए और राजा को द्रौपदी का स्वरूप दिखाया, साधारण स्त्री नहीं है, और ये पांच जो पांडव हैं ये कोई मनुष्य नहीं है, उनके रूप दिखा दिए। तो राजा को संतोष हो गया। और क्यों पांच विवाह होंगे, सारे कारण भगवान वेद व्यास ने बताया। और द्रौपदी जो है वह कन्या है, इतिहास में पंच कन्याएं मौजूद है, पांच कन्याएं ऐसी हैं जो कन्याएं रहेंगी, विवाह होने पर संतान उत्पन्न करने के बाद वो कन्या रहती हैं, कन्या तो नष्ट नहीं होता है, ऐसी उनका प्रातः स्मरण किया जाता है। सबसे पहली अहिल्या, अहिल्या जो यह कन्या है, अहिल्या एक बहुत सुंदरी कन्या को बना करके ब्रह्मा बाबा ने सुरक्षित रखने के लिए गौतम जी को दे दिया, और इतनी सुंदरी कन्या को धरोहर के रूप में गौतम जी ने रखा। सैकड़ों वर्ष बीत गए, ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी सुंदरी कन्या इनके आश्रम में रही आई, लेकिन इन्होंने इस कन्या से ब्याह नहीं करना चाहा। तो वस्तुतः इस कन्या के योग्य गौतम ही हैं, गौतम को कन्यादान कर दिया, गौतम के साथ अहल्या का विवाह हो गया। बड़ी सुंदरी होने के कारण इंद्र ने गौतम के समीप आश्रम में आकर के छल कपट किया। इंद्र गौतम का रूप धारण करके आया है, और चंद्रमा आए तो मुर्गा बन करके बोले, अलग हटे तो महल में घुसा। और इसी बीच गंगा जी ने गौतम से कहा कि देखो तुम आधी रात को आ गए, अभी प्रातःकाल कहाँ हुआ है, तुम्हारे साथ छल हुआ। लौट करके आए तो इंद्र निकलता हुआ दिखाई पड़ा, इंद्र को शाप दिया, चंद्रमा को शाप दिया। इस प्रकार से जो है वह इंद्र पद बहुत निंदनीय है, पुराण शास्त्रों में इंद्र की बहुत निंदा की गई है। बारंबार भगवान उसके अहंकार को दूर करते हैं और बारंबार वह जो है वह प्रमाद में आ जाता है। अहल्या यह कन्या है, लिखा है कि भगवान ने चरण स्पर्श कराया तो अहल्या पत्थर से सुंदरी स्त्री बन गई। और गौतम सिधारे गृह गौनों सो लिवाय के, अब तक गौतम ने साप देकर उसको त्याग किया था, और आज भगवान के चरण के रज से स्पर्श होने पर पाप दूर हो गए और सुंदरी स्त्री हो गई। तो जिस तरह से कोई गौना लेकर के चला जाए, तो गौतम अब तक वह अपने ससुराल में रही, पत्थर बनी पड़ी रही। तो गौतम सिधारे गृह गौनों सो लिवाय के, अहल्या कन्या है और द्रौपदी भी इसी तरह से कन्या है। तारा सुग्रीव पत्नी वह कन्या है, और कुंती माता ये कन्या, इनका कन्या तो नष्ट नहीं होता है। और मंदोदरी, मंदोदरी यह कन्या है, अनंत संतानों के पैदा करने के बाद भी कन्या रहेगी, कन्या तो नष्ट नहीं होगा। इनमें द्रौपदी कन्या है। वेदव्यास भगवान ने राजा द्रुपद को समझाया कि यह कन्या है, एक के साथ विवाह होने पर भी यह कन्या ही रहेगी, और यहाँ तक कि संतान का जन्म देने के बाद भी यह कन्या रहेगी, कन्या तो इसका नष्ट नहीं होगा। बहुत बड़ा इतिहास बता करके, कारण बताया कि इसके पांच पति क्यों होंगे, ये कारण बता करके पांच के साथ में द्रौपदी का विवाह हुआ। और तब लौट करके आए, फिर इनको इंद्रप्रस्थ का राज्य मिल गया। इस प्रकार अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा ये पांच कन्याएं कही जाती हैं।
प्रातः स्मरणीय आए हैं। द्रौपदी जी का विशद चरित्र, तो पत्नी हो तो कैसी हो, तात ऋषभ सो होए, माता हो तो मदारसा के समान हो, और पुत्र हो तो कपिल के समान हो, जिन्होंने अपने पिता माता को उपदेश लेकर के और ज्ञान दिया, माता पिता दोनों को। और मित्र हो तो प्रहलाद शरीफा हो, प्रहलाद जी दैत्य कुल के दैत्य विश्वविद्यालय में हजारों दैत्य बालक पढ़ते थे, तो पढ़ते समय इन्होंने सब लोगों को भक्ति का उपदेश दे दिया, सारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो प्रहलाद के भक्त हो गए। तो मित्र हो तो प्रहलाद शरीफा हो जो भगवान से मिला दे। गुरु कैसा हो तो श्री नारद शरीफा हो, निष्किंचन परोपकारी गुरु हो तो नारद शरीफा हो। और भाई कैसा हो तो भ्राता विदुर दयाल, भाई हो तो विदुर के समान हो। अंधे धृतराष्ट्र ने विदुर का अपमान देखा, विदुर बार बार कहते थे कि महाभारत युद्ध नहीं होना चाहिए, उनका राज्य बांट दे दो, हिस्सा दे दो, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि ये शूद्र कहीं का टुकड़े मेरे खाता है और बड़ा ही हमारे दुश्मनों की करता है, किसने इसको बुलाया, निकालो यहां से। विदुर जी वहां से चल दिए। विदुर जी ने समझ लिया कि हम तो इन लोगों को अपना भतीजा समझ करके इनके कल्याण का रास्ता बताते थे, और अब भगवान ने हमको अलग करने का आदेश दे दिया, इनका नाश होने वाला है। विदुर जी सब कुछ त्याग करके आप चले आए, और इनका नाश क्यों हुआ कौरवों का, विदुर शरीफे संत, नाश के कारण दो हैं, सती साध्वी पतिव्रता का अपमान और महात्मा संत का त्याग। रावण का नाश क्यों हुआ, रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो विभव बिन तब ही अभागा, विभीषण को ठुकरा करके विभीषण संत का अपमान किया तो रावण का नाश हुआ, जगदम्बा जानकी सीता का तिरस्कार किया तो उसका नाश हुआ, कौरवों का द्रौपदी का तिरस्कार किया और महात्मा विदुर का बहिष्कार किया, इसलिए इनका नाश हुआ। पुत्र कपिल सो मिले मित्र प्रहलाद ने जानो, भ्राता विदुर दयाल, तो विदुर का अपमान हुआ लेकिन सारा विदुर जी छोड़ करके चले आए और महाभारत संग्राम हो गया, तब जाकर के विदुर को आया कि हमारा अंधा भाई क्या करता होगा कैसे रहता होगा, तो घूम करके आ गए। तो उस समय धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के पास रहते थे, सौ लड़कों का नाश हो चुका, सब लड़के मारे जा चुके थे, युधिष्ठिर के पास रहते थे। तो विदुर जी ने आकर के कुशल प्रश्न पूछा, और कैसा हाल है क्या हाल है, बोले बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, ठीक है ठीक है। बोले कैसे ठीक है, तुम्हारे सौ लड़के मर गए उनकी याद नहीं आती है। बोले वे लड़के मर गए, वस्तुतः वे लड़के इसी योग्य थे, मर गए ठीक है, लेकिन सच्चा लड़का तो यह युधिष्ठिर है जो मेरी आज्ञा को मानता है और बिना मुझे भोजन कराए भोजन नहीं करता है, सब काम हमसे पूछ पूछ करके करता है, यह युधिष्ठिर सच्चा जो है यह पुत्र युधिष्ठिर है। हमारा कहा था तुमने कि युधिष्ठिर को राजा बना दो और यह दुर्योधन को कारागार में बंद कर दो, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, उस समय ऐसा करते थे सौ लड़के नहीं मरते हमारे। तो विदुर जी का अपमान धृतराष्ट्र के देखते देखते हुआ, दुर्योधन ने अपमान किया और ये देखते रह गए, ये नहीं कहे कि ये तुम्हारा चाचा लगता है, अपमान के योग्य नहीं है, महात्मा है, धृतराष्ट्र ने ये बात नहीं कही। लेकिन भाई हो तो विदुर शरीखा हो, अंत में अब आज जब मरण का समय आ गया, जंगल से आकर के विदुर जी ने आकर के और इनको कहा कि देखो समय वह आ गया, पहले तो तुम कुपुत्र तुम्हारे जो थे उनके मोह में पड़े थे दुर्योधन के, और अब सुपुत्र तुम्हारा ये है युधिष्ठिर, इसके मोह में पड़े हो, तो वस्तुतः मोह समान है, इसलिए अब वह समय आ गया है जब यह भाई और बंधु पुत्र जितने हैं ये साथ नहीं देंगे और यह शरीर भी साथ नहीं रहेगा, इसलिए छोड़ करके चलो। कैसे छोड़े कहाँ जाए, विदुर ने कहा मेरे साथ चलो।
तो आगे आगे आधी रात के समय आगे आगे विदुर जी चले, विदुर के कंधे पर हाथ रखकर धृतराष्ट्र, उनके कंधे पर हाथ रखकर के गांधारी सती साध्वी पतिव्रता गांधारी जी चली जंगल में ले जाकर के उनको उपदेश दे करके और उनको सदगति प्रदान की। विदुर जी ने अपने बड़े भाई को सदगति, जब बड़े भाई ने विदुर का अपमान कराया लेकिन उस बात को ध्यान में नहीं रखा, इसलिए कहा गया कि आदर्श परिवार में अगर भाई हो तो विदुर शरीका हो और स्त्री कैसी हो तो स्त्री आदर्श परिवार में स्त्री द्रौपदी के समान हो। द्रौपदी का स्मरण, जो स्त्री अपने पति को परिवार को भगवान की भक्ति का उपदेश दे वह स्त्री श्रेष्ठ है। दुर्योधन इनको वनवास देने के बाद सब लोग पांडवों की बड़ाई करते थे तो दुर्योधन ने बिचारा कि हमारी लोग बड़ाई करें कैसे करेंगे, तो भाई तुम पांडवों की तरह तुम यज्ञ करो दान पुण्य करो तुम्हारी बड़ाई होगी। तो यह दुर्योधन यज्ञ करने लग गया, दान पुण्य करने लग गया, बड़ा सत्कार सबका करने लग गया, साधुओं की सेवा करने लग गया। उसी साधु सेवा के प्रसंग में दुर्वासा जी महाराज पहुंच गए, 2 महीने तक इनकी सेवा की, वरदान मांगा। बोले महाराज इसके मन में ये था कि पांडव मारे तो मरेंगे नहीं तो ब्राह्मण का शाप दिला करके पांडवों को भस्म करा दें ये ठीक होगा। दुर्वासा से वरदान मांगा कि महाराज इस समय पांडव द्रौपदी के समेत जंगल में रह रहे हैं तो आप कृपा करके पांडवों के अतिथि बनो, ऐसे समय जाकर अतिथि बनो जब सब लोग खा पी चुके हों, कोई खाने को बाकी न हो और जब तक द्रौपदी भी खा लिया हो द्रौपदी भूखी न रह जाए, इसलिए देर से आप जाना। तो द्रौपदी स्वयं भोजन न करें तो उस पात्र के प्रताप से हजारों को भोजन कराती रहती थी और स्वयं भोजन कर लें तो कोई प्रभाव नहीं रहता था। दुर्योधन के सिखाए हुए दुर्वासा जी आए पांडवों के पास, इनको आया देख करके सब लोगों ने उठ करके इनका स्वागत सत्कार किया और बोले महाराज भोजन निमंत्रण। बोले हाँ भोजन करूंगा, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करके आऊंगा तब भोजन करूंगा, ऐसा कहकर के स्नान करने चले गए। पांडवों ने द्रौपदी से कहा कि देवी इनके साथ में 10,000 चेला हैं और इनके भोजन का कुछ प्रबंध करो, कैसे भोजन हो। कहा महाराज 10,000 का एक आदमी का भी भोजन आज तो नहीं है ऐसा संयोग, और मैंने जिस पात्र के प्रताप से मैं हजारों को खिला सकती थी उस पात्र को धो मान करके मैंने रख दिया, मैंने स्वयं भोजन कर लिया, अब उस पात्र में कोई शक्ति नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि बड़ा मुश्किल है, दुर्वासा क्रोधी महात्मा है और भोजन नहीं मिलेगा तो भूखा ब्राह्मण शाप देकर के हमको भस्म कर देगा। ब्राह्मण के शाप से भस्म होना ठीक नहीं है, भीमसेन लकड़ी इकट्ठी करो, मैं जिंदा ही जल जाऊंगा, 5 जिंदा जलने के लिए तैयार हो गए, ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। उस समय द्रौपदी ने देखा कि ये लोग जलने को तैयार हैं, तो द्रौपदी ने कहा कि कृष्ण कहूं गए हैं, संकट आ जाए चिंता की बात आ जाए तो चिंता को छोड़ करके श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। आज शरणागत की रक्षा करने वाले, संकट में रक्षा करने वाले कृष्ण कहीं चले गए हैं तो तुम लोग कृष्ण का चिंतन क्यों न करो, आग में जलने को तैयार हो चिंता भरी है तो भगवान का चिंतन करो। द्रौपदी ने इस तरह उनको सिखाया तो सब लोगों ने कृष्ण का चिंतन किया, भगवान झट वहीं आ गए और आते ही भगवान द्रौपदी से बोले कि हमको बड़ी भूख लगी है कुछ भोजन हो तो दो। कहा कि यही तो समस्या है, ऋषियों को खिलाने को नहीं और आप भी, संयोग ऐसा हुआ कि भूखे ही आप आए। भगवान ने कहा कि तुम्हारा पात्र वह कहाँ गया जिसके आधार पर, जिसके प्रताप से तुम हजारों को भोजन कराती थी, वह पात्र कहाँ गया। तो महाराज हमने स्वयं खा लिया, उसको धो मान करके रख लिया, लाओ दिखाओ। भगवान ने कहा कि संतों की ब्राह्मणों की सेवा पदार्थ से नहीं है, करोड़ों का सामान किसी के घर में भरा है तो श्रद्धा नहीं है तो वह सेवा नहीं कर सकता है, और जिसके मन में श्रद्धा है उसके पास चाहे कम से कम हो चाहे कुछ न हो, तो तुम्हारे में साधु ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा है इसलिए तुम सेवा कर सकती हो। ऐसा बुला करके भगवान ने पात्र को देखा,
तो बात में कहीं कोई जूठन लगी रह गई थी, तो जूठन का किनका उसको भगवान ने खाया, थोड़ा सा जल पिया, अनेन विश्वात्मा प्रियंताम, मेरे इस जल से तड़के खाने से सारे विश्व की आत्माएं तृप्त हो जाएं, भगवान ने संकल्प किया। तो सत्य संकल्प प्रभु के संकल्प मात्र से 10,000 चेले और दुर्वासा सबका पेट भर गया, एक ग्रास खाने की इच्छा नहीं रह गई, पेट में दर्द होने लग गया, चूरन चटनी ढूंढने लग गए, भागने लग गए इधर उधर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ बुला करके लाओ, तो भीमसेन बुलाने आए, भीम सब तो भाग गए, चेले कोई नहीं डटा, कहा कि तैयार है सब सामान, जल्दी से चलो आप लोग भोजन करने के लिए। दुर्वासा जी खड़े हो गए, बोले भीमसेन जाने क्या हो गया, पहले तो बड़ी हम लोगों को भूख लगी हुई थी और इस समय इतना पेट भर गया है कि एक बूंद जल नहीं खा सकते, एक ग्रास भी नहीं खा सकते। तो ये बताओ कि देखो हम तुम्हारे यहाँ चलते भोजन करते तो तुमको वरदान देते, आशीर्वाद देते, तो बिना भोजन कराए ही तुम वरदान मांग लो। भगवान ने उनको सिखा दिया था। तो भीमसेन ने कहा कि महाराज हमारे भाई जो युधिष्ठिर हैं अजात शत्रु हैं, किसी से शत्रुता नहीं रखते हैं, चाहे जितनी शत्रुता दुर्योधन रखते हैं हम लोगों से भाइयों से, तो हमारे मन में तो शत्रुता आ जाती है, लेकिन युधिष्ठिर के मन में शत्रुता नहीं आती है। युधिष्ठिर उन दुर्योधन आदि को अपना भाई ही मानते हैं, गंधर्व के हरण करने पर युधिष्ठिर ने उनकी रक्षा की और युधिष्ठिर का इतना सद्भाव है कि दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहते, सुयोधन कहते हैं, दुष्ट उपसर्ग जो है उनके नाम के साथ नहीं लगाते हैं, इतने सज्जन हैं हमारे भाई धृतराष्ट्र, सुयोधन कहते हैं। और ऐसे संत महात्मा से द्वेष करने वाले दुर्योधन आदि जो दुष्ट हैं, जिन्होंने आपको भेजा श्राप देने के लिए, तो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि जो हमसे बिना कारण द्वेष करते, हम तो उनके मित्र बनते हैं वो द्वेष करते हैं, ऐसा द्वेष करने वालों का ही नाश हो। तो दुर्वासा जी को भेजा इसलिए गया था कि पांडवों का साप दे करके नाश कर दो, लेकिन उल्टा साप दुर्योधन आदि के नष्ट होने का दे दिया। इस तरह से योषिता द्रुपद दुलारी, स्त्री हो तो द्रौपदी के समान हो, जिसने अपने पांचों पांडवों भाइयों को, पांचों पांडवों को उपदेश देकर के श्री कृष्ण का स्मरण कराया और सबके प्राणों की रक्षा की। गुरु हो तो नारद शरीखे हो, और भरता पति कैसा हो, कदाचित स्त्री शरीर हमको मिला है तो पति अम्बरीश के समान, भरता नृप अम्बरीश सो, हम प्रजा हैं तो राजा कैसा हो, तो राजा पृथु सो जो मिले, पृथु के समान जिन्होंने अपनी सारी प्रजा का कल्याण किया। भगवत भवने की उद्धर है चिदानंद रसमें, यह आदर्श परिवार का संकेत किया गया, वर्णन बहुत लंबा है। फुल वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 Yeah.
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे वृंदावन बिहारी राधा रानी की।